दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसी मॉडल को आज डिस्कस करने वाले। मेरा थंबनेल आपने जरूर देखा होगा, तो इस प्लान को आज हम डिस्कस करने वाले आपके साथ। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कोई मॉडर्न हाउस आपके लिए बनाया जाए तो आप इस मॉडल को यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। इस मॉडल में मैंने कार पार्किंग का दिया है, साथ साथ बारंदे को भी डिजाइन किया है और एक मॉडर्न डिजाइन, जैसा कि लोग बहुत चाह रहे हैं, इसमें गुमटी टाइप का डिजाइन दिया है, जो गाँव में आपने देखा होगा खबरेल टाइप का डिजाइन होता है जिसमें स्लोप बना होता है, उसको भी मैंने यहाँ पर प्रेफर दिया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो आजकल मॉडर्न डिजाइन की है, तो उसको मैंने कवर किया है। और यहाँ पर इस मॉडल को बनाने का मैं खर्च भी आपको बताऊंगा, साथ साथ मॉडल को अगर आपको अच्छा लगे ये मॉडल तो आप हमें पहले से ही लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को अगर ज़्यादा लाइक करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के लिए एक सही वीडियो बना रहा हूँ, सही मॉडल बना रहा हूँ, इसे हमें मोटिवेट आप करते रहिएगा, मैं आपको लगातार ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस मॉडल प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो जो आज का मॉडल है उसे आज हम लैपटॉप स्क्रीन पर आपको बताने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आपको ले चलूँ, आप हमें एक जरूर लाइक करिएगा। तो ये देख सकते हैं, ये दोस्तों पूरा मॉडल है जो आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत मॉडल आपको मैंने डिजाइन किया। ये मॉडल दोस्तों आपका एक ऐसी जगह पर बनेगा जहाँ पर चारों तरफ आपका वेंटिलेशन हो, मतलब चारों तरफ आपका ओपन मकान हो, जैसे कि आप इसे खेत में मान सकते हैं, आप खेत में बनवा सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन सा डिज़ाइन है और काफ़ी गुड लुकिंग आपको देखने को लग रहा है, उसमें कार पार्किंग को मैंने सारा कवर किया है। तो इस मॉडल को बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगने वाला। अगर आप इसका 2D प्लान चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी पेड सर्विस होगी, कुछ ना कुछ आपको पे करना होगा, और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा प्लान है, मैं इसे जूम करके आपको और दिखा देता हूँ, इसे मैक्सिमम जूम करके, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए, क्या क्या प्लान मैंने यहाँ पर बना रखा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। तो फ्रंट तो हालांकि आपका ये है, साइड व्यू आपका ये है, देख रहे होंगे तो साइड से, टॉप व्यू आपका ये है, यहाँ से बैक से भी आप देख सकते हैं बैक में आपको कैसा दिखता है। तो टॉप से अगर आप देखें, ऊपर से आप देखें तो आपका घर ऐसा दिखेगा, साइड से आपका ऐसा दिखेगा। तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी लग्जरी हाउस यहाँ पर मैंने क्रिएट किया। तो अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ओवरऑल आपका चीज़ें आपको और प्रॉपर समझ में आ जाएंगी। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, आप देख सकते हैं फ्रंट का ये जो पिलर बने हैं ना, मैंने एक साथ क्रिएट कर दिए, तो आप ऊपर वाले पिलर को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आपका मेन डोर होगा, हालांकि ये कार पार्किंग वाला एरिया मैं पहले आपको डिफाइन कर दूं। ये दोस्तों कार पार्किंग के लिए पूरा एरिया मैंने क्रिएट कर रखा है, साइड में आप देख सकते हैं इसमें गुमटी का डिजाइन और बेहतरीन से पिलर आपके सामने मैंने क्रिएट किए, तो साइड में जगह है, इस वजह से मैंने इधर से भी एक डोर दिया, मैं अभी बताऊंगा, और इधर से विंडो भी मैंने दिया वेंटिलेशन के लिए। तो मेन डोर हालांकि आपका ये फ्रंट ये है, जैसे आप आ जाते हैं ना, टॉप भी मैं आपको दिखा दूं, ये एक बारंदा सा आपको डिजाइन देखने को मिलता है। इसके बाद ये आपका एक गेस्ट रूम है जिसमें भी मैंने विंडो दे रखा है, इसका साइड से एक डोर है जिससे आप एंट्री करेंगे, और अगर आप इस रूम से भी अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने डोर का फ्रेम लगा रखा, यहाँ से आप जा सकते हैं, या मेन डोर ये है, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक विंडो दिया वेंटिलेशन के लिए, तो आप जैसे एंट्री करते हो तो एक आपको बड़ा सा डाइनिंग हॉल मिलता है। दोस्तों मैंने और ज़्यादा चीज़ें क्रिएट नहीं की हैं, हालांकि आप यहाँ पर एक बेडरूम क्रिएट किया जा सकता है, बट मैंने उसे इग्नोर किया है। बात करें इस कॉर्नर पे के, तो इस कॉर्नर पर भी आपको एक बेहतरीन सा बेडरूम मिलता है। इसके बाद इधर की बात करें, इधर की आपकी स्टेयर्स हैं, इससे आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर वापस आएंगे, और इधर की बात करें तो ये आपका एक मैंने बाथरूम क्रिएट कर रखा है, ये आपकी किचन एरिया है, और इस बेडरूम से होते हुए भी आप इस बाथरूम को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने कंबाइंड लेट बाथ और बेडरूम में दिया है, तो यहाँ पर दो आपके लेट बाथ देखने को मिलते हैं। ये किचन है, किचन में मैंने यहाँ पर विंडो दिया है, और ये जो हॉल है ना, हॉल में भी आप साइड से एंट्री कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर आपके सामने 2 बेडरूम का बनके रेडी हो जाता है, जिसमें 2 लेट बाथ आपको देखने को मिलते हैं, साथ साथ किचन और एक डाइनिंग हॉल बड़ा सा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर, हालांकि देखिए मैंने यहाँ पर ये वाला रूफ नहीं हटाया, जैसे ऊपर जाएंगे 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, पीछे वाला बेडरूम आपका सिमिलर बना हुआ है, ये लेट बाथ भी बना है। यहाँ पर स्टेयर्स को मैंने यहाँ पर हटा दिया, शो नहीं किया, हालांकि यहाँ पर स्टेयर्स आपका बनेगा। ये डिजाइन आप देख सकते हैं, ये पिलर जो आपको दिख रहे थे वो, उस पर बीम चारों तरफ, और यहाँ पर मैंने और थोड़ा स्टाइल बनाने के लिए आपके अलग से, ये देखिएगा छत टाइप का आपको दिख रहा हूँ, रूफ दिख रहा होगा जिसमें एक पिलर है, उसमें आपको एक वी शेप में और पिलर बनाया है, जो कि डिजाइन भी आपको देगा और इसको सपोर्ट भी देगा, जो मैंने अलग से एक रूफ क्रिएट कर रखा है। तो ये पूरा ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर है, आप देख पा रहे होंगे। ग्रिल की अगर बात करें तो ग्रिल आपको काफ़ी खूबसूरत और यूनिक देखने को मिलेगी इस मॉडल में, आप देख पा रहे होंगे ग्रिल का डिजाइन कितना खूबसूरत और यूनिक आपको देखने को मिलता है। मैं बात करें इधर का, तो वो भी आप देख सकते हैं, ये आप कुछ ग्रास देख रहे होंगे, पेड़ पौधे देख रहे होंगे, ये डेकोरेशन की वजह से मैंने लगा रखे हैं। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की,
तो ये इसका लास्ट फ्लोर है, वो जो आपको छत देख रहा होगा उसमें वी शेप का जो कर्व शेप होता है आप देख रहे हैं, जो खपरेल का डिजाइन होता है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। तो ये पूरा छत आपका पीछे तक गया है, आपका यहाँ पर बेडरूम भी इसी से कवर्ड है, आपका ये जो बालकनी टाइप की बनी है ना, ये पूरा हॉल टाइप का ये पूरा कवर्ड मैंने कर रखा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लान आपके सामने मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, ये प्लान जो बना हुआ है। इसका कॉस्ट की अगर बात करें या इसकी 2D प्लान की बात करें तो वो आप हमसे ले सकते हैं, हालांकि वो मैं पेड रखा है मैंने, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको हमें कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ अभी तक आपने स्मार्ट हाउस प्लान से अगर नहीं जुड़े, आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं पेड सर्विस भी चलाता हूं, अगर आप कोई भी घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं किसी भी प्रकार का डिजाइन तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं लगेगा, कल व्हाट्सअप पर चैट होगा। अगर आप जब श्योर हो जाए कि मुझे पेमेंट करना है तभी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। तो इससे सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो काफ़ी लोग इंक्वायरी के लिए, अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट ना करें, क्योंकि पेड सर्विस है, फ्री में नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि समय लगता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस करता रहता हूँ, इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन आपको लेना है ना तो इंस्टाग्राम पर आप हमें ज़रूर फॉलो करिएगा, हमारे पेज को फॉलो करिएगा, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।